पवित्र पीतर के सारे लोग सारे बताते पवित्र 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 बेस पवित्र है पवित्र के हाथ के द्वारा यीशु के चैनित हाथों के द्वारा तैयार किया है सफर में हमारे लिए दुश्मनों के सामने बिछाया गया ये भेष है पवित्र आत्मा मन रात कर रहा भेष पवित्र भेष के ऊपर रखे हुए सारे पदार्थ और वचन पवित्र है बेस पे सेवा करने वाले परमेश्वर के दास यीशु के लहू के कारण सनातन वचन के कारण है पवित्र आत्मा के कारण है जितने भी लोग मेज पर से भाग ये पवित्र किया जाए हमें खिलाओ हमें पिलाओ ताकि हम तेरे निमित्त जीवित रहे यस लॉर्ड हालेलुया चला प्रभु हमें चला पवित्र आत्मा भी चला आज इस अंत तक चला आमीन तेरी इच्छा के अनुसार चला आमीन महिमा तेरी हो सदा के लिए हो प्रभु यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं आमीन आमीन यस लॉर्ड परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो इस आठवां महीने के पहले इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और रोटी तोड़ने के लिए और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है सौभाग्य दिया है जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मैं आप सब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर कष्ट सहकर सही समय प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आए प्रभु आपको बोलता है आशीर्वाद कर मैं आप सब का स्वागत भी करता है इस सभा में यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अधिक पवित्र प्रेम शुरुआत में मैं माफी चाहता हूँ मानता हूँ हमेशा मैं करता हूँ कोशिश रहता थोड़ा सा जल्दी आने आज समय पर शुरू करने कई कारण से होता है और यहाँ थोड़ा जगह भी सीमित है आप जानते हैं इन सारी परेशानियों के बीच में आप सहमति देते हैं सहयोग देते हैं जिसके लिए मैं आभारी हूँ मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जैसे हम शुरू करने पर है बारम्बार रेडी है हो गया पता नहीं चाहिए तो हमेशा ये बात कहते हैं और याद दिलाते हैं कि प्रभु बोध की सभा की महत्व क्या है तो हम बोर होने की संभावना है लेकिन पवित्र वचन में इसे लिखा है जो तुम लोगों ने हमसे सुना उसको स्मरण करो स्मरण करते रहो और स्मरण कराते जाओ तो उसका सहारे पे में ये कैसे जुनानिया में यह बात कह दिया है कई बार ऐसे उपदेश सिखाया गया है नया नियम में भी कम नहीं है सब लोग ये कहता पौलुस कहता पत्रस कहता यहूदा कहता यूहन्ना कहता सब लोग हमें याद दिलाते हैं तो हमें दूसरे को याद दिलाएंगे इतना ही नहीं यीशु ने कहा जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आता तब तक मेरे स्मरण में यह किया करो तब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम इसको कभी भी हल्का से नहीं लेता मैंने एक चीज पहले भी आपको बताया है कुछ साल पहले मैंने एक ऐसे तरह की एक झुंड है विश्व प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में फैला हुआ है वहां साल में एक बार प्रभुबोध की सभा चलाया जाता है वहां एक गेस्ट की तरह मेहमान की तरह मैं बुलाया गया वहां इसे ऐसे लोग नहीं जाता बड़े सूट में तो मैं भी अपने आप को सजा के गया मुझे पहले बताया था सब लोग सूट में आएंगे
तो वे भी वहां गया। तो यीशु के मृत्यु का वर्णन किया गया। दो तीन लोगों ने क्रिस्त में छोटा छोटा भाषण दिया। बाद में ये प्रभु भोज के जो पदार्थ थे वो पास करने लगा। The elements would get passed on. कोई नहीं चुनता उसको, आता देखता दूसरे को देखता। पूरा झुंड में एक ही ने भी नहीं लिया। वो लोग रीति है वो, क्योंकि वो लोग अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं इसमें से भाग लेने के लिए। तो करता क्यों है, मैंने पूछा उनको, बड़ा बॉस को, एल्डर कहते हो लोग। एल्डर ने कहा कि वचन में लिखा है करने को, लेकिन वचन में यह भी लिखा है कि अपने आप को परखे, अनुचित रीति से भाग लेगा तो खतरा है, इसलिए हम नहीं लेता। तो कोई नहीं लेता आपका झुंड। उत्तम एक है ट्रेंडर में, एक है, एक अगुआ है हमारा, वो लेता। ऐसे विश्व भर में अब तक 1,00,000 तक लोगों ने प्रभु भोज से भाग लिया है, और 1,44,000 पूरा भाग लेके खत्म हो जाएगा तो ये संसार खत्म। फिर राजा यीशु आएगा। आप लोग हसो मत, छोटी सी झुंड नहीं है, ये बहुत बड़ा एक झुंड है। मैंने भी पास किया। मैंने कहा प्रभु हम इतने धन्य हैं, हमारी योग्यता, हमारी जीवन की पवित्रता के आधार पर नहीं है, यीशु की कुर्बानी, यीशु के बलिदान के आधार पर है। तो अब हल्का से लेंगे, बड़े गौरव से हम प्रभु बोध के लिए परमेश्वर के मेज के समीप आते हैं, कबूल करते हैं गलतियां कमजोरियां गिरावट। ये झुंड के विषय में मैंने कहा वो झुंड बहुत ही अलग तरह का झुंड है, नाम मैं अभी नहीं लेता। वो झुंड का कोई भी झूठ नहीं बोलता। अगर उधर एक व्यक्ति ने झूठ कहा करके रिपोर्ट जाता गुआ के पास, उसको वहां से निकाल देता। कोई भी ऐसे दारू पी सकता है, लेकिन दारू पी के मतवद नहीं होना। मतवद हो गया, रिपोर्ट पहुंचेगा तो खत्म। ऐसे कलीसिया है। वो झुंड के लोगों को मैं काम पे लगाता बड़े खुशी से है, बड़े ईमानदार लोग हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे रखा, मैं बोलता हूँ एक ले क्या हो चाहे तो तुम्हारा झुंड का है, बोलो झुंड नहीं भी बोलता है, बहुत लोग ईमानदार रहते हैं, स्वभाव इतना अच्छा है, बहुत स्ट्रिक्ट है उनके झुंड, बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा एक्शन लेता छोटे छोटे चीज के लिए, इतना बड़ा एक्शन लेता। अगुआ के अनुमति के बिना अगर तू कुछ करोगे जीवन भर तुम्हें बाहर बिठा देगा। मैं उसको विस्तार में नहीं कहता, ऐसा वो कलीसिया है। लेकिन वो लोग परमेश्वर के मेज पर से नहीं खा सकता है, नहीं पी सकता है, कि उनकी सारी धार्मिकता अपने कामों के ऊपर आधारित है। You and I will never be qualified to approach this blessed temple based on our works, even on our character. परंतु हम आते विश्वास के कारण कैसे हम धर्मी ठहराया गया है, वो धार्मिकता का वस्त्र पहन कर आते हैं। यीशु के लहू चुका कर कैसे उसने इस मलिन जीवन को पवित्र किया है, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं। देखिए प्रभु भोज की सफाई कैसे चलाया जाता वो मैं देखता, आज प्रभात को भी मैं देखा। आलोचना करने के लिए नहीं, नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू नो हाउ
our brothers and sisters conduct the Lord's table. कैसे वो लोग इसका आचार करते हैं? मैं अलग 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 कैसे करते हैं? बड़े गौरव से सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम कलीसिया होते हैं। वो लोग ऐसे वचन के ऊपर मनन करते हैं जिसके कारण मैं हृदय में घुटने टिकाऊ या सूली के सामने दंडवत करूं। मैं विश्वास करता हूं उसके लिए यीशु ने कहा, यीशु ने कहा मेरे स्मरण में किया करो। हम पिछले दिनों में देख के आया क्या स्मरण करना है? यीशु कलवरी पर जीवन दिया वो हमने भूल गया क्या? नहीं, लेकिन उसने हमारे लिए क्या क्या किया क्रूस पर, क्या क्या कमाया क्रूस पर, उसके ऊपर स्मरण करके मेरी मूर्ति के प्रचार करो, इसे यीशु ने कहा। But for that we will never be qualified. उसके सिवाय हम कभी भी योग्य नहीं गिने जाएंगे। यीशु ने कहा मेरे स्मरण में क्या करो, तो मैंने इसे हम सुन के आ रहे, उसने हमारे लिए क्या क्या गद्दे के बच्चे को कैसा वो बोला उठे बना तो हमने देख लिया। और क्या सुना था पिछले बार? वहां मेल मिलाप खींच के लेके आया, उसका समीप खींच के। कोई जरूरी नहीं कि हम सब ये याद करके रखे, लेकिन अगर हृदय के वित्त पर खोद के लिख ले तो गलत भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। हम एक वचन पढ़ना चाहता है यूहन्ना का सुसमाचार, आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, मैं हूं बाद में मैं आपको बहुत अवसर दूंगा। पर अध्याय का 29वां वचन जो आप बाय हार्ट जानते हो मैं पढ़ता। दूसरे दिन उसने अर्थात बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day, John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. कई बार हमने उसके ऊपर चर्चा किया है। It'll be a monotonous repetition, I know. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना देखो तो कोई आ रहा, यीशु आ रहा। यूहन्ना ने कहा ये क्यों आ रहा है पता है? पूरे संसार के पाप को लाद कर अपने कंधे पर लेकर दूर बहुत दूर हटाने वाले परमेश्वर के दृष्टि से, हमारे दृष्टि से, शैतान की दृष्टि से दूर हटाने वाला। विधिनों में बलि चढ़ाया जाता था, पाप बलि चढ़ाया जाता था, प्रायश्चित बलि चढ़ाया जाता था। हमने विस्तार में सीखा है ये सब, अभी कई साल हो गए भूल गए होंगे, हम रिविजन भी लेंगे। तब भी इसके परछाई में ऐसा हुआ करता था। दो भेड़ों को लेकर आते थे उस जमाने में, और वो लोग चिट्ठी डालते थे, जिसको चिट्ठी मिलता, चिट्ठी जिसको और गिरता उसको जिंदा रहता, दूसरे को बलि चढ़ाता पाप बलि। अब पढ़ वही अच्छा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। लेवी व्यवस्था की किताब में चले जाते हैं, उसका 16वां अध्याय से सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, 16वां अध्याय पूरा हुआ है, लेकिन वो पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम 16वां अध्याय से पहले हम 10वां वचन पढ़ते हैं। मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम इतने समय इसके ऊपर व्यय करेंगे। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि
उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। But the goat on which the Lord fell for Asalel shall be presented alive before the Lord to make atonement over it, and that it may be sent away into the wilderness to Asalel. कोई नहीं जानते ये अजाजेल कौन है। अनुमान कई कई तरह के अनुमान है, लेकिन एक चीज पक्का है कि जो पाप जिसके कारण हमारे ऊपर निरंतर दोष आरोप किया जाता था, वो पाप एक जानवर के सर पर उन्नेलकर वो जानवर को दूर बहु दूर ऐसे शून्य स्थल में छोड़ दिया जाता forsaken by God and by man will be this goat. ये पशु को परमेश्वर ने त्यागा है, मनुष्य ने त्यागा है, कोई सीध मुर्फी उसमें कुछ कुछ रहस्य है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। इतना ही सोच ले, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारे ऊपर दोष आरोप करता है, उसके सरदार के पास उसको भेज देकर कहता है, देखो यह है सारा पाप तूने कराया था, ले लो उसको, कीमत चुकाया गया है, देख ले परमेश्वर ने उसको ऊपर थूका है, परमेश्वर ने उसको क्रोध की आग के उसको ऊपर उंडेल दिया है, दूर सदा के लिए। इसलिए मैं बिना क्रूस पर से चिल्लाता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझको क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया गया आपके पाप के कारण, अम्मी मेरे पाप के कारण। यस परमेश्वर बर्दाश्त करता, बात कब, मैंने भी छोड़ दिया, मेरे पाप को मैंने भी छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। यस तूने मेरा पाप, तूने मेरे श्राप, तूने मेरे ही भोग सकता, उसका दंड मैं नहीं सह सकता। मनुष्यों ने तिरस्कार किया, वो जुड़ा के जाता, वो गीत मलयालम में बहुत सुंदर हिंदी से लोग गाता है, हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया है। एक बोल जाता कौन है वो, क्या ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है क्या, ये बारी सूर्य उठाकर कौन जा रहा है, क्यों हो जा रहा है। गीतकार कहता है मेरा पाप उठाकर जा रहा है, मुझे नहीं देखना है, मेरे दृष्टि से दूर कर दे। That animal will perish. वो जानवर मिट जाती है। It will be driven to such waste places that it can never survive. खत्म हो जाता है। उसके साथ पाप भी खत्म हो जाता है। Amen. श्राप भी खत्म हो जाता है। Yes. लेकिन यीशु क्रिस्त में दोनों साथ में, दोनों जानवर साथ में, बारी क्रूस उठा कर सारे पाप को परमेश्वर की दृष्टि से, हमारे दृष्टि से दूर करने वाला, बिठाने वाला वो है सच सच। पाप बलि भी चढ़ाएगा अपने आप को, जैसे इसहाक के साथ एक परछाइयों में दिखाया था, दो इसहाक, इसहाक मर नहीं सकता, जी नहीं सकता, इसके लिए वो परछाई में इतना ही दिखा सका, इसराइल को वेदी पर लिठाया और परमेश्वर की दृष्टि में उसका बलिदान हुआ। फिर जैसे मरे वैसे चिड़ कर आते हैं, वैसे इसहाक
उड़कर आता, लेकिन यीशु में दोनों चीज साथ में हम देखता नहीं है। उसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे वही अध्याय से, उसका मेरे ख्याल से 20वां वचन में क्या लिखा है, किसी ने खोला है? 20 में क्या लिखा है? ये 21 पढ़ो। 21 तब उन्होंने उससे पूछा, क्या पढ़ते हो? अब लेवी व्यवस्था 16 अध्याय पढ़ते हैं। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराध हो अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। ये कौन करता है? महायाजक सारे पाप को उठाकर उसके सर पर उन्हें देता है। तब यीशु महायाजक नहीं था। आप लोग भी मेरे साथ? yes, हाँ। तब पिता परमेश्वर ने एक काम किया जैसे अब्राहम ने लकड़ी उठाकर इसहाक के कंधे पर रखा। अब यशायाह 53 में यह पढ़ता है, पिता परमेश्वर को यह भाया कि हमारे सारे पाप पुत्र के ऊपर पड़े। yes, सारे पाप श्राप गलतियां अधर्म सब ये जानवर उसके चौबीस में क्या लिखा है? और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे तब वह छावनी में प्रवेश करे। क्या कहते पता है? ये बकरे के साथ जो छलके गया वो इतना अशुद्ध अपने आप को धोए बिना साफ करके बिना मनुष्यों के बीच में भी नहीं आ सकता, क्योंकि सारे संसार का पाप है। यीशु जब यीशु को अदालत में पेश किया, महायाजक के वहां पेश किया गया, लोग महायाजक के कोर्ट में घुसते नहीं थे क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, हमें पसंद करना है। तो बहुत कुछ कहना है मुझे, लेकिन मैं कैसे कहूं? जो जानवर का साथ चलते क्योंकि वो इतने पापमय है, वो पशु वो जानवर उसको भी अपने आप को धोना साफ किए बिना नहीं। लाइक द ब्रेजन सर्पेंट, The bronze serpent, पितल का जो सांप के समान, उसे को कहा ऐसा सर्प को नहीं बनाना, सॉलिड बनाना, सॉलिड पूरा पूरा पाप पूरा सांप। ये सब पाप की मूर्ति बन चुका था। इसलिए वचन में लिखा है इंसान के रूप में भी नहीं रहा। बाइबल में लिखा जो कोई एक बार देखता वो मुंह फेर लेता, मुंह फेर लेता। Nobody would look at this animal. Nobody would dare to look or want to look. कोई नहीं देखता वो जानवर को, इतना श्रापित है वो। उसका 30वां वचन पढ़ लिया, मुझे लगता 30 है। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के समीप पवित्र ठहरोगे। पवित्र as defiled as Jesus looked, you shall look holy and sanctified. Yes, जितना पवित्र जितना शुद्ध वो जानवर था, अधर्मियों में भी प्रधान अधर्मी की तरह यीशु, ताकि मैं पवित्र में पवित्र बन जाऊं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कहते यह है प्रायश्चित। अमें। यस लॉर्ड, ये स्केप गोट जो कहता है वो हमारा प्रायश्चित। Yes, Lord.
हालेलुया हट्ठाया यस परमेश्वरा। हम एक दो वचन और पढ़ते हैं, वहां से हम आगे आते हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। हम मत्ती में चला जाता है 27 का 42 पढ़ता, मत्ती 27:42। और इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। यीशु को क्रूस पर ठोका दिया गया, तो कहते उतर के दिखा, तुम्हें विश्वास लो, विश्वास कर। बाहर लोग कहते हैं, साधारण लोग कहते हैं, सिपाही लोग कहते हैं, क्रूस पर चढ़ाया गया, कुकर्मी भी कहते हैं। यीशु के लिए क्या कुछ कठिन था? मरे हुए लाशर जो चार दिन हो चुके थे लाश का, उसको एक पल में जलाने के लिए उसमें सामर्थ्य था, अमीन, क्रूस पर से नहीं उतर सकते। यस लॉर्ड, वो कहते नहीं नहीं, कारण है, यस कारण है, उसने एक ठोका है अपने आप को। ये जानवर कहीं लौट करने आए उसके लिए किसी को भेज देता, उसको कहता है कैन थ्री नेल्स कीप हिम ऑन द क्राउन, या तीन कांटे से उसको क्रूस पर रख सकता था क्या? रिफ्यूज टू कम डाउन, नहीं अपने आप को आसाद करेगा। कुछ कारण हो सकते हैं, हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं नहीं। हम कुलुसियों में चले जाता है, दूसरे अध्याय का 13-14 पढ़ता है, कुलुसियों दूसरे अध्याय 13-14। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। बस इतना ही लिखा 13-14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। और एक बार 14 पढ़ोगे धीरे धीरे आवाज उठा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में जो भी सजाया गया, सजा सुनाया गया, सारे विधि जो हमारे विरोध में, उसको उसने अपने शरीर पर लिया था। और क्या लिया था? और क्या लिया था? और जो हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला और क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। किलो से क्रूस को ऊपर ठोका दिया, किसको? मेरे अपराध और उसके दंड और श्राप को। इसके लिए वो नीचे नहीं आता, मेरा सजा है क्रूस पर, परमेश्वर का दंड है क्रूस पर, परमेश्वर का क्रोध है क्रूस पर। इसलिए ठोका है, किसने ठोका है? सिपाहियों ने नहीं ठोका, यीशु ने ठोका, उसने ठोक दिया है। We saw, we thought it is the body of Jesus. हमें लगा यीशु का शरीर है, नहीं है। तो शरीर पिता ने उसके लिए तैयार किया, तो वो शरीर है। This is the body that the Father had prepared for it. And he said, I come willingly. उसने कहा, मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए वो उतर गया। He is not the lamb. Who will take away the sin of the world. But he is also the lamb who will fashion my condemnation, my curse onto the cross. उसे संसार के पाप को उठाकर लेके जाने वाला नहीं, मेरे दंड को आपको क्रूस पर ठोक दिया। यस लॉर्ड,
टिल द लास्ट पेनी की स्पीड। यीशु ने उपवास सिखाया। हमारे खिलाफ अगर कुछ ऐसे अदालत में कुछ केस हो जाए तो अंतिम पैसा तक जब तक नहीं डालते तब तक तुम्हें बंदी घर में बंद किया जाएगा, नहीं है? He was on the cross. आखिरी बूंद, आखिरी बूंद लव। फिर वो कहेगा अमें, अमें, यस, ओ प्रभु। क्रूस पर से उतर कर नहीं आ सकता। यस ना, ओ प्रभु। क्रूस पर यीशु का पावन शरीर नहीं है, मेरा पाप। यस ना, श्रा, अमें। परमेश्वर का क्रो, अमें। सारे सजा, दंड, यस ना। तो जमाने में साल भी एक बार ऐसे प्रायश्चित बलि चढ़ाया जाता था, जानवर के ऊपर सारे बोझ रखकर उसको हटाता था दृष्टि से और एक पाप बलि चढ़ाता था और इंतजार करते अगले साल के लिए, क्योंकि वो नहीं तो खा गया था, उस दाह के लिए नहीं हटाया गया था। यीशु ने कहा जब तुम लोग मेरे बेस के पास आओ मेरी स्मरण में खाओ पियो, अम्मी स्मरण करो। यीशु ने क्रूस पर क्या किया और क्या उसने हमारे लिए कमाया। यस, यीशु ने सिर्फ ये नहीं चाहा कि हाँ मेज के सभी वाकर रोकर पापों की क्षमा मांगे, यीशु ने ये चाहा कि तू स्मरण करो, स्मरण करो। Appropriate everything that I gained on the cross for you. क्रूस पर मैंने जो भी तुम्हारे लिए कमाया है उसको पूरा पूरा अपनाओ। एक रोटी का टुकड़ा खाकर, एक थोड़ा सा दाखरस पीकर तृप्त ना हो। Receive, says the Lord. प्रभु कहता पाओ प्राप्त करो। यस, हम जानते हैं व्हाई ही डिड नॉट एंड ही कुड नॉट कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस, वो क्यों क्रूस से उतर कर नहीं आया। यस, इसके कारण। यस, जो इधर भारी सूली उठाकर उसको चलना पड़ा इसके कारण, जो लोगों ने उसके मुंह पे थूका इसके कारण है। जो श्राप का चिन्ह जो खातों का मुंह की टिंता उसको पहनाया इसके कारण है, बाकी कुकर्मियों को क्यों नहीं पहनाया। बाकी कुकर्मियों के मुंह पे क्यों नहीं थूका। अंत में उसको छेद था, पिछले दिन एक बहुत महान परमेश्वर के दास से बहुत महान बहुत में आदर करता उसके विषय में कहता था कि एक सिपाही ने उसको ऐसे बाले से छेदा और लहू और पानी मिलकर जल मिलकर ऐसे धाराएं बहीं, वो धाराएं जैसे नीचे जाके वो सब पूरा मैं नहीं बताता आपको, आपको समझ नहीं आएगा, मेरा भी समझ में नहीं आता। ऐसा एक जगह पे गिरा तो यीशु ने चिल्ला चिल्ला कर कहा सब कुछ समाप्त हुआ। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, संडे स्कूल में जाने से कुछ फायदा भी होता है, मैं बोले ऐसा नहीं हुआ। यीशु मर चुका था। पिलातुस तो उसने बोला कि जाके देखा, आया कुकर्मी अब जिंदा था उनके पैर थोड़ा, यीशु मर चुका था। फिर भी यकीन होने के लिए एक सिपाही ने उसको माले से छेदा, तो पता चला जल भी अगर निकलता है उसको मतलब वो खत्म हो गया, खत्म हो के समय हो गया। तो पक्का पक्का पता चला ये दिखावट नहीं था, दिखावट नहीं। जैसा ही
सारे पापों की सजा पूरे पूरे उसने अपने शरीर पर ले लिया, श्राप बिठा दिया, उसने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंपा। He decided when to hand over his spirit. परिश्रमने लगी। It was all his doing, dearly. He nailed himself to the cross because he was nailing my sin, my curse, and the wrath of God, and my condemnation onto the cross. उसने अपने आप को क्रूस पर ठोक दिया, ठोक दिया। कोई शरीर नहीं था, मेरा सारा पाप, सारा श्राप, उसके सारे दंड, सारी सजा। अब परमेश्वर का क्रोध, छोटे से वचन हम पढ़ते हैं, वो पत्रस का परिपत्रिका, पत्रस का दूसरा अध्याय का 24। वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। चौबीस और एक बार पढ़ो। वह ढूंढ रहा था। ओके। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसने अपने सारे पापों को लेकर क्रूस पर जीवन दिया, सिर्फ हमारी पापों की क्षमा हो जाए उसके लिए नहीं, फिर किसके लिए वहां लिखा? ताकि धार्मिकता के लिए, ताकि मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, तू धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, वो नहीं हम। हाँ, हम अगर उसने जीवन दिया है तो उसको प्रत्युत्तर में हमें जीना है। आमेन। यस, हम अपने, यस लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे वो थे वैसा हम है, जैसे वो चलता था वैसा हमें चलना है, जैसे वो धार्मिकता का जीवन बिताया वैसे हमें धार्मिकता का जीवन बिताना है। Otherwise, his death, his crucifixion, his sacrifice would have been in vain. न तो व्यर्थ में था, उसका मृत्यु व्यर्थ में है। बार बार बलि नहीं चलाया जा सकता, जो न जो बारे में ऐसा नहीं था, हर साल में ये हुआ करता था। yes. अब ऐसा नहीं है, एक बार, एक बार, एक बार। हालेलुया। एक बार इसके लिए हम पश्चाताप करते हैं, इसके लिए हम कबूल करते हैं गलतियां, इसके लिए हम बार बार प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आते हैं। yes, Lord. ये बात किस बारे में दिलाते हैं अपने आपको? ऋतिक विचार कहता है, कलोजुना गाना मेरे पास सामने आया, दो तीन दिन से आ रहा तो उसका भी प्रिंट आउट भी लेके इसके लास्ट में रखा होगा। अभी एक एक गाना उसके पीछे वो कवर इसलिए डाला इसका, My sin, all the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord. My soul, मेरे पाप उसमें नहीं, पूर्णता में ही। क्या कितना धन्य है ये सच्चाई, क्रूस पर ठोक दिया गया
मुझ पर नहीं है वो आप वो स्तुति हो प्रभु की। अवश्य में नहीं, पूर्णता में मेरा सारा पाप क्रूस के ऊपर धोख दिया गया। सुखद है मेरे प्राण के लिए, सुखद है प्राण के लिए। It is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Sukhat hai, kalyan hai. Amen. Kyu sara pa? अवश्य में नहीं, पूर्णता में। उस पर हम जिएंगे, धार्मिकता के लिए जिएंगे, या हार के भर से जिएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिएंगे। यीशु के नाम में आमीन। 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 अय्या प्रभु बोझ के लिए तैयार किया है, जो मेष को यीशु ने तैयार किया है उस पर मैं से खाने के लिए और पीने के लिए हम तैयार हो जाए। जिस रात को परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हमारा स्थान यीशु मसीह पकड़वाया जाने पर था, उस रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, फसल के भोजन के बीच उसने अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर तोड़ी, कर सब लोग इसी में से खाओ, यह मेरा देह है, तोड़ दिया गया शरीर है जो तुम्हारे लिए है। अनेकों की पाप क्षमा के लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कर आने वाला जीवन का रोटी जो मनुष्य को जीवन देता है वह मैं हूं, जो मुझको नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, जो मनुष्य के पुत्र के मांस को खाता है वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जैसा पिता मुझ में और मैं पुत्र में वास करता, वैसा जो मुझको खाता है पिता उसके संग मैं और पिता आकर वास करेगा और मैं भीतर रहूंगा। आइए धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पदार्थ को आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करें। 252 जो क्रूस पे जो
आशा रखता हूँ कि जितने भी लोग प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आए थे उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, हमने स्मरण किया है यीशु ने क्या किया और अपने आप को परखते हुए सब गलतियां कबूल करते हैं, हृदय की गहराई से पश्चाताप करते हुए यीशु के शरीर को पहचानते हुए आइए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है एक साथ अपनाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, कैसे धन्यवाद, अद्भुत है तेरा प्रेम, अद्भुत है तेरी कृपा, अद्भुत है तेरी करुणा, इसके कारण तूने हमें योग्य किया यीशु के शरीर खाने के स्वास्थ्य को। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तेरे ये स्वर्गीय भोजन से हृष्ट पुष्ट होकर प्रभु तेरे लिए ऐसे मजबूत गवाह बनने के लिए तो मैं तैयार कर प्रभु जी, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यारी के तुरंत बाद यीशु ने दक्रस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में दी। धन्यवाद देकर यह मेरी लहू में नहीं बच्चा है, सब लोग इसी में सटी हो, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा मेरा लहू असलियत में पेय है, जो मनुष्य के पुत्र के लहू में से नहीं पीता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, जो मुझको खाता और पीता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। आइए धन्यवाद के साथ यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया उसके स्मरण करते हुए हम ये पवित्र पेय को आत्मिक तौर से यीशु को बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका I'm
किया, जितने लोगों ने रोटी लिया उनको डार्कनेस भी मिल गया। अय्या परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु की अद्भुत कुर्बानी के प्रायश्चित बलि के हमारे पापों को हमारी दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से, शैतान की दृष्टि से दूर रखाने के लिए हमारे विरोध में जितने भी लिखित बात था उसको क्रूस पर ठोक कर हमसे हटाने के लिए हमें धर्मी ठहराने के लिए, ताकि हम जीवन की ताजगी में चलते रहे। अभी हम एक साथ ये पवित्र पेय को जो आत्मिक तौसी यीशु का बहाया गया लहू है अपना एक साथ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, जो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की, जो सारे पाप को मिटाता है, जो अनंत जीवन देता है, जो हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर के पवित्रों के रूप में कलीसिया में शामिल करते हैं। यीशु के लहू के लिए धन्यवाद, प्रभु भोज के लिए धन्यवाद। अब भाई आहार के बल से हम आगे बढ़ेंगे, यस, और रास्ते में नहीं मिटेंगे, विजयी होकर लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। ये परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सभा में,
उन सारे तकलीफ परेशानियों के बीच में प्रभु ने हमारे ऊपर आशीष उंडेल दिया, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके एहसान के लिए, उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर कोई भी कलीसिया की ओर से प्रार्थना करे, धन्यवाद की बलि चढ़ाए, और ये प्रभु बोध की सभा को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे जीवन के भाग दौड़ में तूने और एक बार हमारे लिए मेज बिछाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और तेरे हाथों से हमें खिलाया पिलाया प्रभु, ओ प्रभु धन्यवाद। यह तेरे निमित्त है प्रभु, तेरे निमित्त है प्रभु। तूने हमारे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया प्रभु। आज हमने और एक बार स्मरण किया, तूने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया प्रभु। तूने हमें पवित्र ठहराया, क्योंकि हमारे निमित्त प्रायश्चित किया गया, हमारे निमित्त प्रायश्चित किया गया। तूने अपने आप को हमारे निमित्त प्रायश्चित किया, हमारे पापों को तूने हमसे इतना दूर हटा दिया, हमारे पापों को तूने परमेश्वर की नजरों से, शैतान के भी नजरों से प्रभु एकदम दूर हटा दिया है, ओ प्रभु, ताकि स्मरण भी न आए। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु तेरे निमित्त हुआ है, तेरे निमित्त प्रभु मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, तेरे निमित्त है मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने ठहराया है, इसलिए मैं हूँ, मैं पूरा पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु। लोग कहते हैं क्रूस पर से उतर आए तो मैं विश्वास करो, मैं कहता मैं विश्वास करता हूँ, मेरे निमित्त मेरे प्रभु ने आँखों से ठोक लिया था, मेरे निमित्त था वो, मेरे विधियों का जो लेख मेरे ऊपर था, वो प्रभु जो मेरे ऊपर पाप और श्राप था प्रभु, उसके निमित्त तूने अपने आप को ठोक दिया था, मैं विश्वास करता प्रभु। ये मेरे निमित्त तू नहीं उतर के आया प्रभु, तू आ सकता था लेकिन हमारे निमित्त तू नहीं उतर गया, ताकि विधियों का लेख प्रभु जो पीढ़ी पीढ़ी से था प्रभु हमारे ऊपर, उसे खिलों से टोक के जड़ दिया है, और सदा के लिए तूने हमें बलि किया है प्रभु। एक बार ही प्रभु अपने पावन बलिदान से प्रभु तूने हमें सदा के लिए प्रभु स्वतंत्र किया है, पवित्र किया है, धन्यवाद प्रभु। यह तूने खुद किया, पत्रस कहता है अपने उसने अपने आप हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम अपने आप को धार्मिकता में जीवन बिताए, ओ प्रभु हम धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, जैसा तूने कहा वैसा करेंगे प्रभु, जैसा तू चला वैसा चलेंगे प्रभु, क्योंकि मेरे निमित्त प्रायश्चित कराया गया है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तूने क्या नहीं किया प्रभु, तूने हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु, ओ प्रभु बड़ी किया, स्वतंत्र किया, ओ प्रभु हमारे पापों को कहां से कहां फेंक दिया प्रभु, ताकि वो किसी के भी स्मरण में ना आए, और स्वतंत्र किया सदा के लिए। धन्यवाद, सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी भलाई हम तेरे चरणों में अर्पण करते, और सदा सर्वदा प्रभु जब तक तू हमें लेने नहीं आता तब तक हम प्रभु तेरे स्मरण में यही करेंगे, ओ प्रभु तूने हमारे लिए जो किया वो हम स्मरण करते रहेंगे प्रभु, और धार्मिकता में जीवन बिताएंगे प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम तुझे देते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसी अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, विश्वास सदा से नाशा लोगों की गान की मत, स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा,
पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सख भागीदा और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार का रे सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आरम्भ करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की के साथ हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ अरे तरह की कष्ट और संघर्ष से गुजरने वाले पीड़ा सहने वाले हमारे कितने भी प्रिय भाई और बहनों को सबों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ और इसराइल और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के मन आगमन तक भी निरंतर बने रहे आमीन आमीन परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वादित करे आप ऐसे